नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24 में। जाकिर खान जयपुर से। भरतपुर जिला की सबसे बड़ी खबर, कुमार पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गौ तस्करी संदीप की मौत। संदीप की जगह अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति होता तो पुलिस प्रशासन यहां पर कड़े एक्शन लेती, मगर देखा जाता है कि गौ तस्करी में चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। गौ तस्करी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पुलिस को खूब पता था कि संदीप कुमार रात्रि में 2 से 2:30 बजे टेम्पो में गायों को भरकर ले जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से संदीप हिंदू है, इसकी वजह से पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। भारत देश के अंदर गौ तस्करी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, चाहे वह मुस्लिम हो चाहे वह हिंदू हो। पुलिस प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं होता है। गौ तस्करी करने वाले की वक्त पर वहाँ पर देखा गया कि इस तरह से एक्शन लेना बहुत असंभव होता है, जबकि पुलिस प्रशासन इस चीज़ पर एक्शन नहीं ले रहा है। उस चीज़ के माध्यम से हमको इन चीज़ों को देखते हुए अफसोस होता है कि पुलिस प्रशासन जात बिरादरी का काम क्यों करता है। इन चीज़ों पर ही पुलिस प्रशासन की सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भरतपुर जिला के अंदर कुम्हेर के अंदर जब गौ तस्करी का मामला सामने आता है तो इस चीज़ को मीडिया और पुलिस प्रशासन छुपाने की बात कर रहा है, जबकि यहाँ छुपाने की बात नहीं है। चाहे वे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उस धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। गौ तस्करी करने वाला कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को यहाँ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन इस्माइल।